दोस्तों देखिए हम मंदिर से आ गए, सबने ड्रेस वगैरह चेंज कर लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं बीच पर। ये देखिए हम लोग हो गए रेडी बीच पर जाने के लिए, और बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग आपको देखने को मिलेंगे जब तक मैं खेल रहा हूँ तब तक। ये देखिए मेरे मिस्टर साहब आ रहे हैं फुल साउथ इंडियन स्टाइल में, अल्लाह के जैसा चश्मा लगा के, चश्मा बैग लव धोती और कैप। कैसे लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे बेल आइकन को प्रेस करके और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अभी बीच पे, अभी हमारी बस आ गई है, हम मंदिर से आके पहले हमने नाश्ता वगैरह किया, फिर ड्रेस चेंज किया, फ्रेश होकर और अभी वापस जा रहे हैं बस के पास। ये मेरे अन्ना जी, मतलब मेरे हस्बैंड जी, अब पता नहीं कि अन्ना कहते हैं कि क्या कहते हैं। और ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो शूट हो रही है इंस्टाग्राम रील्स के लिए, तो अगर आपने वहाँ पे फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट से फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर। और ये वीडियो भी इंस्टाग्राम के लिए ही, बहुत सारे रील्स आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। ये देखिए हमारी बिटिया रानी, और अभी हम लोग हैं अपने क्या क्या आपके पास है टियारा, तो छोड़ दीजिए। सदस्यों का हार्दिक स्वागत है, गोकुल किचन ब्लॉग्स का भी हार्दिक स्वागत है। हम केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विराजमान है, और यहाँ पर हम जो यात्रा करने वाले हैं तो उसकी सारी वीडियो हम अपलोड करेंगे किचन ब्लॉग्स पर। आप जरूर इसको शेयर कीजिए, जरूर इसको शेयर करिएगा और बेल आइकन दबा के इसको सब्सक्राइब करिएगा। ये हमारी विनती है आपसे कि केरल राज्य जो है हरियाली से भरा पूरा राज्य है, बहुत ही सुंदर नारियल के बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे पेड़ पौधे हैं, और बाकी भी काफ़ी झूठ है, हरियाली है। इसके अलावा यहाँ पर प्राचीन मंदिरों की हमें शैली देखने मिलती है, हमें 5000 साल पुराने जैसे पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जो कि अपने आप में भारत की संस्कृति को दर्शाते हैं कि ये हमेशा भारत देश इतना सांस्कृतिक देश था और है, और हम उस संस्कृति को आज जो बहुत ही करीब से देख रहे हैं, तो हमें इस विरासत को कभी भूलना नहीं चाहिए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये केवल 5000 वर्षों तक नहीं बल्कि आने वाले 5 लाख वर्षों तक ये विरासत ऐसी होती रहे, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी इसका जो है आनंद और लुत्फ उठा सके। ये बहुत ही सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें सुनने के बाद हम आ गए हैं बस में, अपनी रानी बस में, और रानी बस को लेके जा रहे हैं हम लोग जो, क्योंकि हमें पता नहीं था कि हमें बीच जाना है, बीच हमें शाम को जाना है, और हम दोपहर में हैं अभी, मतलब दोपहर हो रही है, और हम आ गए हैं जू। तो यहाँ बहुत ही अच्छा सा गार्डन भी है और जू भी है, मीन्स बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है ये। उस पर कुछ अलग ही लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसलिए हम लोग को पढ़ नहीं पा रहे थे कि लिखा क्या है। और आप जिधर भी नज़र डाल रहे होंगे पूरी केरला आपको ऐसी ही ग्रीन दिखने वाली है, दिख रहा है ना, मतलब आपकी आँखें ना मतलब खुश हो जाएंगी देख के, इतनी सारी ग्रीनरी एक साथ, हर जगह ग्रीन ही ग्रीन है। तो ये हम अभी बस हमारी रुक गई है अपने जू के बाहर, और अभी देखिए धूप कितनी तेज़ हो रही है, तो यहाँ मौसम ना पता नहीं चला था, कभी अचानक से बारिश, कभी अचानक से धूप। तो अभी हम लोग बाहर ही हैं, और मुझे सच में, मैं सबसे पूछती जा रही हूँ कि कौन सा जू है ये, कौन सा जू है ये, कौन सा गार्डन, मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग भी ना मतलब हमारी लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे थे, हम हिंदी बोल रहे थे और वो वहाँ की लैंग्वेज बोल रहे थे। तो अभी हम फ़िलहाल जाते हैं अंदर, ये देखिए जो लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर वहाँ का कोई है और ये वीडियो देख रहा है। तो हम यहाँ से जा रहे हैं अंदर, और यहाँ आने के बाद जो मस्ती हुई, जो धमाल हुआ, पूछे मत। तो यहाँ भी ना हर जगह, जू में जाइए, पार्क में जाइए, मंदिर में जाइए, मास्क चाहिए ही चाहिए, बिना मास्क आप एंट्री नहीं ले सकते। और अभी भी वहाँ पर मतलब केरला में ना मास्क कंपलसरी है, हर लोग मतलब हर इंसान मास्क लगाकर ही घूम रहा था, और हमें मुंबई में ना अभी आदत थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी मास्क लगाने की, पर कोई बात नहीं। ये देखिए हमारी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर भाभियाँ, हम लोग फटाफट से मास्क हटा देते हैं और फोटो वीडियो निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए चारों तरफ की व्यू आपको दिखा देती हूँ, और फिर सबकी अलग अलग मस्ती स्टार्ट हो गई थी। ये देखिए मिल्क पार्लर भी था यहाँ पर, और ये वहाँ का गार्डन के अंदर ही ऐसा बना हुआ था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था देख के वहाँ पे। और हमने तो इंस्टाग्राम रील्स के लिए इतनी सारी वीडियो शूट कर लिए, पूछे मतलब। ये देखिए सब अपनी अपनी मस्ती में मस्त है और हम अपनी मस्ती में मस्त हैं, तो हम यहाँ पर रील्स शूट कर रहे हैं अपनी इंस्टाग्राम के लिए। तो ये देखिए मैं अपने मिस्टर जी को बता रही हूँ, और ये वाली रील्स अपलोड हो भी गई है, तो अगर आपने नहीं देखी इंस्टाग्राम पे तो फॉलो करिए और फटाफट से रील्स देखिए। मैं सबको हटा रही हूँ कि हटो हटो हटो, 2 मिनट मुझे टाइम दो, मुझे ज़रा एक रील्स बनानी है।
ये देखिए, पर बच्चों के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये सारी चीज़ें करना, बट कोई बात नहीं, हम हिंदुस्तानी लेडी हैं और हम हर काम मैनेज करना जानते हैं, तो हम मैनेज कर ही लेंगे बच्चों के साथ भी, फैमिली के साथ भी। थोड़े थोड़े ये मस्ती वाले पल भी हम निकाल ही लेते हैं, खुद के लिए टाइम निकाल ही लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी रील्स हो गई कंप्लीट। तो अब हम घूमेंगे पूरा जू। जू भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। ये पूरा जू मैं आपको एक दिन में दिखा नहीं सकती, मतलब ये भी देखिए इंस्टाग्राम रील्स के लिए ही ये वीडियो है, मैंने बस इसमें लगा दिया है। अभी इसको एडिट करना बाकी है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब डालेंगे तो बहुत सारी रील्स को एडिट करना होता है। और ये वाली भी रील्स अपलोड हो गई है, आपने नहीं देखी है तो ये रील्स भी फटाफट से जाके देख लीजिए इंस्टाग्राम पे। तो ये देखिए, ये हमारी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर भाभियाँ, ये देखिए अभी मज़े करेंगे। आहा, अभी हम पहुँच गए हैं जू और यहाँ पर खड़ी है आइसक्रीम, आइसक्रीम की गाड़ी, और हमसे रहा ना गया, हमने सारे मिलके बहुत सारी आइसक्रीम खाई पहले। वो आइसक्रीम खाते वक्त का मैंने वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं किया, और अभी हम पहुंच गए हैं जू। तो ये देखिए, मतलब बच्चे इतने खुश हो रहे थे ना, और इतना बड़ा जू था कि मैं पूरा आपको इस वीडियो में कंप्लीट नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो सच में मैंने बहुत ही करीब से पहली बार देखे हैं। मतलब आपको भी अगर देखनी है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर करके क्लिक करिएगा, ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिले, आप नेक्स्ट वाली ब्लॉग देख पाएँ। नेक्स्ट वाली ब्लॉग भी नेक्स्ट लेवल का है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखिए भालू, मतलब ये सारे जानवर ना, मतलब आप सिर्फ या तो वीडियो में कहीं और देखते हैं या फिर बुक्स वगैरह में देखते हैं, और ये सारी मतलब सामने लाइव देखने को मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो चला अपने रास्ते और मैं चली अपने रास्ते। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नया वीडियो लेकर आती हूँ। सो थैंक्स।